नमस्कार, यह वीडियो परमाणु की संरचना अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर आधारित है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या परमाणु अविभाज्य होता है या नहीं। हम ये भी सीखेंगे कि क्यों एक तत्व दूसरे तत्व से अलग होता है। हम उप परमाणविक कणों अर्थात सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। हम परमाणु के विभिन्न प्रकार के मॉडल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। अब आपके मन में ये प्रश्न तो आ ही रहा होगा कि इस अध्याय को पढ़ने से हमें क्या लाभ होगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी रासायनिक प्रतिक्रिया का उत्पाद बताना है तो आपको उन अणु और परमाणु की संरचना के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप ये सीखेंगे कि विज्ञान में सिद्धांतों को किस किस कसौटी से गुजरना पड़ता है और ये सिद्धांत बनते कैसे हैं। आपके मन में ये प्रश्न जरूर आया होगा कि क्या परमाणु अविभाज्य होते हैं। इसका उत्तर है नहीं। इस बात का पहला प्रमाण यह है कि अगर आप दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो वो एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन वस्तुओं में विद्युत आवेश आ जाता है। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि परमाणु कम से कम दो अन्य छोटे कणों से बना होगा, जिसमें से एक का आवेश धनात्मक होगा जिसे हम प्रोटोन कहते हैं, और दूसरे कण का आवेश ऋणात्मक होगा जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रोटोन का आवेश प्लस ई होता है और इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस ई होता है। यहाँ पे E का मान 1.6 गुना 10 की पार माइनस 19 कूलम है। तो हमें अब यह पता है कि परमाणु विभाज्य होते हैं। परमाणु की विभाज्यता को ध्यान में रखकर बनाया हुआ पहला मॉडल थॉमसन का परमाणु मॉडल है। जब थॉमसन ने यह मॉडल दिया था तब तक प्रोटॉन की खोज नहीं हुई थी, परंतु इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी। थॉमसन ने इस मॉडल में यह कहा कि परमाणु एक घनात्मक आवेश का बना हुआ एक गोला है जिसपे इलेक्ट्रॉन बिखरे पड़े हैं और हर परमाणु में ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसीलिए एक परमाणु में कुल आवेश शून्य के बराबर होता है। यह कथन इस बात से प्रेरित था कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सरल काम था, लेकिन धनात्मक आवेश को बाहर निकालना कठिन काम था। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है क्योंकि यह एक केक में बिखरी हुई किशमिश की तरह दिखता था। अब इस मॉडल की वैधता को सिद्ध करने के लिए कई प्रयोग हुए और उनमें से एक प्रयोग था रदरफोर्ड का प्रयोग। रदरफोर्ड के प्रयोग में एक अल्फा कण एमिटर था जो कि गतिशील अल्फा कण छोड़ता था। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं और इनका वजन प्रोटॉन के वजन का 4 गुना होता है। अल्फा कण एमिटर के सामने गोल की 1000 परमाणु की मोटी एक पन्नी थी जिसपे अल्फा कण टकरा रहे थे। इस पन्नी के पीछे अल्फा कण को पता लगाने के लिए एक स्क्रीन लगाई गई थी। रदरफोर्ड ने यह अनुमान लगाया था कि अल्फा कण गोल की बहुत पतली सी परत से गुजरने के बाद बहुत कम विक्षेपित होंगे, क्योंकि अल्फा कण में इतनी ऊर्जा होती है कि उसकी गति प्रकाश की गति के 5% होती है। अगर परमाणु का वजन और आवेश फैला हुआ रहता जैसा कि थॉमसन मॉडल में बताया गया है, तो इतनी तेज गति पर अल्फा पार्टिकल एक गोल की परत से ऐसे चीरता जैसे कि एक गोली टिश्यू पेपर से निकलती है। रदरफोर्ड ने यह पाया कि अधिकतर अल्फा कण गोल की पतली सी पन्नी से सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण छोटे कोण से विक्षेपित हुए, बट कुछ अल्फा कण बहुत ज्यादा कोण से विक्षेपित हुए। और सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि कभी कभी एक अल्फा कण वापस लौट आता था। क्योंकि इस अवलोकन को थॉमस मॉडल से समझाया नहीं जा सकता था, रदरफोर्ड ने इस नतीजे को देखकर यह कहा था कि यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय है जैसे कि अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारे और वे लौट के आ जाए। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के आधार पर अपना मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि एक परमाणु का अधिकतर वजन केंद्र में होता है और परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्त आकार में चक्कर लगाते हैं। अपने प्रयोग के आंकड़ों के अनुसार रदरफोर्ड ने यह गणना की कि परमाणु की लंबाई नाभिक की लंबाई के 100,000 गुना होगी। प्रयोग के दौरान बहुत सारे अल्फा कण परमाणु की खाली जगह से सीधे निकल गए बिना कुछ विक्षेपित हुए। कुछ अल्फा कण नाभिक के काफी पास से गुजरे और बड़े कोण से विक्षेपित हुए, और जो अल्फा कण नाभिक से सीधे टकरा गए वो वापस लौट गए। इस नाभिक का घनत्व 1,00,000 अरब किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। इस घनत्व के नाभिक से अल्फा कण जैसे गतिशील कण भी वापस लौट जाएगा।
रदरफोर्ड के मॉडल के साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होता है। इस प्रकार एक कक्षा में घूमता इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा, इससे उसकी गति और ऊर्जा कम होती जाएगी और इस प्रकार वह नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता तो परमाणु को अस्थिर होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम जानते हैं कि परमाणु स्थिर होते हैं। परमाणु की अस्थिरता पे जो प्रश्न खड़े हुए थे उनका उत्तर देने के लिए बोर ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जो कि एक खास समीकरण का अनुसरण करती हों। इस समीकरण के बारे में अब कक्षा 11वीं में और विस्तार से पढ़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इन कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। आपको एक परमाणु के ऊर्जा स्तरों को यहाँ दर्शाया गया है। सबसे पहली और नाभिक के सबसे पास वाली कक्षा को के नाम से बुलाते हैं या फिर संख्या एक से दर्शाते हैं। इसी प्रकार दूसरी कक्षा को एल नाम से बुलाते हैं या फिर संख्या दो से दर्शाते हैं। इसी प्रकार आप अन्य कक्षाओं के नाम भी लिख सकते हैं। परमाणु तीन तरह के उप परमाणविक कणों से बना हुआ होता है। उनमें से आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को जानते हैं। इलेक्ट्रॉन का वजन प्रोटॉन से लगभग 2000 गुना छोटा होता है, परंतु आवेश का मान एक दूसरे के मान का ऋणात्मक यानी नेगेटिव होता है। न्यूट्रॉन एक उप परमाणविक कण है जो कि नाभिक में पाया जाता है। इसका कोई आवेश नहीं होता। इसका वजन प्रोटॉन के वजन के बराबर होता है। न्यूट्रॉन की खोज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज होने के बाद हुई थी और बोर मॉडल के समय भी न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। न्यूट्रॉन की खोज सन 1932 में हुई थी। इस वीडियो में हमने ये सीखा कि परमाणु विभाज्य होते हैं और ये तीन उप परमाणविक कण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हुए होते हैं। आपने थॉमसन मॉडल के बारे में पढ़ा। थॉमसन ने इस मॉडल में ये कहा था कि परमाणु एक धनात्मक आवेश का बना हुआ एक गोला है जिसपे इलेक्ट्रॉन बिखरे पड़े हैं। आपने रदरफोर्ड के प्रयोग के बारे में जाना और उस प्रयोग के आधार पर बना हुआ रदरफोर्ड मॉडल को पढ़ा। उस मॉडल में रदरफोर्ड ने कहा था कि परमाणु का पूरा वजन और धनात्मक आवेश एक छोटे से क्षेत्र में समटा हुआ है और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जिस तरह ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। अंत में आपने बोर मॉडल का अध्ययन किया और उसमें आपने ये जाना कि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगा सकते हैं और इस दौरान वो किसी ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।